खंडवा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आए किसान की मौत होने का मामला सामने आया है। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी शामिल थे और किसान की मौत उनकी मौजूदगी में हुई। वहीं किसान की मौत के मामले में मंत्री सिलावट ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं। खबर मिली, ये दुखद घटना है, पूरी सरकार इनके साथ है, इनके साथ रहेगी। तो क्या आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी कि जिंदा है अभी? अभी आपने खबर करी मेरे को, तुरंत आया कि नहीं? नहीं, आपको अधिकारी ये ब्रीफ कर रहे थे। कोई अधिकारी नहीं, नहीं। मेरे को किसी ने बोला कि वो वापस होश में आ गए। मैंने कहा मैं तो आ ही रहा था, इनके फोन आया। कहां का किसान था, क्या था? ये सुंदर देव से उसकी पत्नी। किसानों के लिए कार्यक्रम था, किसानों के लिए कार्यक्रम है, किसान की मौत हुई है, जांच के आदेश दे रहे क्या? बिल्कुल जांच के आदेश दिए जाते हैं, करूंगा मैं, और इसकी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सहायता भी पूरे परिवार को की जाएगी। इसमें कोई राजनीति करने के लिए आया, दुखद घटना है। वहीं विपक्ष के उपनेता जय शाह ने किसान की मौत होना भूख को बताया है। देखिए, कोई आदिवासी, मैं राजनीति करने के लिए यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ, लेकिन कोई आदिवासी इस आशा और उम्मीद के साथ शासन प्रशासन के आपके सरकार आपके द्वार में आए और वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री के पंडाल में, स्वास्थ्य मंत्री के सामने उसको घबराहट हो, कोई राहत ना मिले और तत्काल उसकी डेथ हो जाए। और आज आप देख रहे हैं कि हम लोग किसी तरह उसको यहाँ पे हमारे साथी लोग उठा करके लाए। घबराहट होने के बाद कोई प्रशासन के आदमी उसकी मदद के लिए नहीं गए, कोई प्रशासन के आदमी ने उसको तत्काल अस्पताल नहीं पहुँचाया। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में ये लापरवाही हुई। दरअसल किसानों के कार्यक्रम में किसानों के लिए खाने पीने की कोई सुविधा नहीं थी। बताया जा रहा है कि कड़ी धूप होने से खड़े रहने में अचानक किसान गश्त खाकर गिर गया, जिसके बाद अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। तो सवाल भी उठता है कि कड़ी धूप में अगर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो क्या डॉक्टर की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? खंडवा से न्यूज के लिए अजीत लाल की रिपोर्ट।